मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली से वापस लौटने के बाद सचिवालय में चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की बैठक की। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में मरीजों को रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी लाइनों में खड़ा न होना पड़े, इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और टोकन की व्यवस्था के लिए सिस्टम विकसित किया जाए। इसके साथ ही टेलीमेडिसिन की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 को जन जागरूकता के लिए व्यापक स्तर पर प्रचारित किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को जल्द ही क्षय रोग मुक्त बनाने के लिए क्षय रोगियों को गोद लेने के लिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को प्रेरित किया जाए। अगर किसी कार्य से लोग मन से जुड़ते हैं तो उसमें सफलता प्राप्त होती है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जारी होने वाले आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड, श्रम विभाग द्वारा जारी होने वाले कार्ड और स्वास्थ्य संबंधी अन्य कार्डों की सही मॉनिटरिंग के लिए उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र और राज्य सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग विभिन्न माध्यमों से जागरूकता कार्यक्रम चलाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए अभिनव पहल की जरूरत है। दूरस्थ क्षेत्रों में कार्य करने के लिए डॉक्टरों को प्रेरित किया जाए। ब्लॉक और तहसील स्तर तक स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। ऐसी व्यवस्था की जाए कि नवजात शिशु के अस्पताल में जन्म लेने पर उनके जन्म मरण प्रमाण पत्र पर अस्पताल से ही निर्गत हो। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि अस्पतालों में स्वच्छता की उचित व्यवस्था हो और मरीजों को अस्पतालों में गुणवत्ता युक्त भोजन भी मिले। डेंगू मलेरिया से निपटने के लिए अस्पतालों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में नियमित फॉगिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही त्योहारों के सीजन के दृष्टिगत विशेष सतर्कता बरती जाए। एनके न्यूज की डेस्क रिपोर्ट।